सो क्वेश्चन है एज यूजुअल जैसे आप करते होते हैं चैट में लिखना। 40 देखो क्वाइट इजी। क्या बोल रहा है? इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन, कल हमने पढ़ी थी ना आयरन की एक्सट्रैक्शन, तो कहता जब लाइमस्टोन ऐड करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में तो उसमें जो कैल्शियम आयन्स हैं एंड्स अप इन, आंसर लिखो चैट में। प्रभनूर ने बता दिया, वेरी इजी। स्लैग बनती होती है ना आटा, देखो लाइमस्टोन क्या था, इसको जब हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता था, फिर क्या होता था, सिलिका लाइक इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट गैंग पार्टिकल, तो ये स्लैग बन जाता था ना कैल्शियम सिलिकेट। तो ये बोल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में कैल्शियम के आयन्स हैं वो एंड्स अप मीन्स वो अल्टीमेटली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्लैग में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट और करो। चलो कर लिया। ये वाला बताना, ये पढ़ लो फिर, मैं ऑप्शंस ऊपर है मुझे वो हिलाना पड़ेगा इसको। क्या बोल रहा है? सर्शन रीजन है, एक कुछ ने स्टेटमेंट दे दिया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए हेमेटाइट ओर यूज करते हैं, फिर इसका रीजन बता, हमें नहीं पता सही है कि नहीं, तुम लोग बताओगे। हेमेटाइट इज अ कार्बोनेट ओर, ये दो स्टेटमेंट दी हैं, एक को सर्शन का नाम दे दिया दूसरी को रीजन का, और ये ऑप्शंस हैं। रीजन अकेला रीजन कहता करेक्ट है, फिर कहता दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे की करेक्ट, मतलब रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है। अगला कहता है सर्शन रीजन करेक्ट तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रहा। लास्ट बोल रहा है सर्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट दिखाऊंगा एक बार फिर से, छोटा करें। आंसर आए हैं दो, हाँ जशन और प्रभनूर ने दिया, ठीक है। मान्या तू दे नहीं रही, रिकॉर्डिंग नहीं सुनी लगती मुझे। नहीं मम्मी, डी ऑप्शन है बेटा इसकी। पिया निखिलेश तुम लोगों ने लगाई थी क्लास, कल अपन एक्सट्रैक्शन की थी आयरन की, हेमेटाइट ओर क्या थी बेटा, Fe2O3 होती है ना, मैं कार्बोनेट ओर तो है नहीं, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन वाली स्टेटमेंट ही गलत है। तो डी में उसने यही बोला हुआ है, ओनली असर्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन हमारी राइट है, ठीक है। अच्छा कार्बोनेट ओर जशन जो आयरन की होती है उसका नाम याद है बेटा, होती है पिया निखिलेश, ये भी और अपन ने पढ़ी थी साइडराइट है ना, रट्टा मार लो भाई, इनको क्वेश्चन आते हैं। अगला है ये वाला करो, चलो 24 लिख रहा है, क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द मिनरल्स हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, हमको बताना है कि हेमेटाइट में और मैग्नेटाइट में ये जिस भी की ओर्स है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी है। फॉर्मुलेस पता होंगे तभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, करो ध्यान से। प्रभनो ठीक है तुम्हारा, और भी बताओ बेटा कोई, हेमेटाइट तो अभी लिख के दिया ना तुमको, मान्या का भी ठीक है, हेमेटाइट Fe2O3 है और मैग्नेटाइट क्या है भाई, Fe3O4। ध्यान दो जरा, कहीं बच्चों को मैग्नेटाइट का पता नहीं होगा, हेमेटाइट में तो सीधा दिख रहा है कि आयरन की +3 है, जो मैग्नेटाइट होता है ना बेटा ये दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है, Fe2O+ Fe2O3, इन दोनों का मिक्सचर
Fe3O4 बनता है, समझे? तो जो मैग्नेटाइट है उसमें हम बोलेंगे इसमें 2 और इसमें 3 दोनों आएंगी, मैग्नेटाइट की अपनी कुछ नहीं होती। तो डी ऑप्शन बनेगी, हेमेटाइट में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटाइट में दोनों 2 और 3। ये नया पॉइंट होगा कई बच्चों के लिए, प्लस वन में भी वैसे कराते हैं ये कि जो मैग्नेटाइट होता है दोनों का मिक्सचर है। कौन से चैप्टर में पढ़ते हो ये, जिन लोगों ने किया हुआ है? रिडॉक्स में था फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, पैराडॉक्स ऑफ था एक टॉपिक, शायद याद हो तुम लोगों को। हाँ पिया जशन सभी ने ठीक दिया, वैसे तो थर्ड से ही आइडिया लग रहा है ना, और कल्ला हेमेटाइट से ही लग जा रहा है। एक और 29, गलत नहीं बताना, ढंग से देखो इसको। क्या कह रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, जो रोस्टेड ओर है, ये क्या है? हरगुन वीडियो चला लो बेटा। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है, मान्या तुम बता सकती हो ये कौन सी प्रोसेस है? इसका नाम किया था हमने इस प्रोसेस का, एक जिसमें ये सारा हुआ था। क्या नाम था? लीचिंग। फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर की ओर, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो उसमें क्या था, जैसे ये रिएक्शन गोल्ड के लिए बोल रहा है, ठीक है प्रभु तुम्हारा, ये देखो फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं पूरा लिख के दूँ तो। इसमें तुम साइनाइड डालते थे ना बेटा, पोटेशियम का साइनाइड या सोडियम का, तो प्लस ऑक्सीजन वाटर, तो जो तुम्हारा गोल्ड तो नेटिव ओर ही होती है, कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। सोडियम डाइसाइनो और 8 प्लस NaOH, मैं बैलेंस नहीं कर रही। तो इसने देखो क्या दिया, इसने अकेला कॉम्प्लेक्स पार्ट तुमको बोल दिया, ये वाला बोल रहा है। अब इस पे चार्ज कितना होगा? इस पे -1 होगा ना बेटा, पूरे पे ये होगा, इसका नाम होता है डाइसाइनो और 8, और 8 फॉर गोल्ड। तो एक्स तो हमें पता चल गया कि आइदर ये और ये, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई आएगा, क्योंकि ये तो है नहीं, दो तो एलिमिनेट हो गए, इतना समझ गए। फिर अगला पार्ट भी मैंने तुमको लिख के दिया था, फिर क्या करते होते थे, अब हमने गोल्ड को कॉम्प्लेक्स में तो भेज दिया इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए, फिर इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जैसे जिंक है उससे क्यों कराएंगे, ताकि वो गोल्ड को रिप्लेस कर दे, तो उसका ये बनता है, ये कॉम्प्लेक्स में ये बदल जाता है और गोल्ड फ्री हो जाता है। अब इसका नाम पहले तो देख लो, इसका नाम होगा बेटा टेट्रासाइनोजिंकेट, और इसने इसमें से अकेला कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया है, तो ये बनेगा, समझ गए मेरी बात? टेट्रासाइनोजिंकेट बोलते हैं इसे। ये रहा कौन सा आ रहा है, ये रहा, हाँ ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। प्रभनूर तूने कौन सी लिखी थी बेटा? डी नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था, वो देखा नहीं था कि 4 है वहां पे। हाँ ए आएगा, ठीक है, याद करने वाला चैप्टर है बेटा, देखो फिर फ्री के नंबर है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जेई के ही करा रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर में से। देखो अच्छे से नोट्स पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। आए अब अपने नोट्स पे आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ, थोड़ा सा एक बार व्हाइट बोर्ड से करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कर रहे थे हम लोग, वो सारा जोन वगैरह उसके हमने पढ़े थे,
इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस जो है वो हमको यूज़ करना पड़ता है, उसमें कापकोन अरेंजमेंट होता है, उसमें हम चार्ज डालते हैं। उसकी मैंने कंपोजिशन भेज दी थी तुमको, 8 पार्ट बेटा ओर के हैं, 4 पार्ट स्कोप के हैं, 1 पार्ट लाइमस्टोन का। ठीक है, इस पूरे को चार्ज बोलते हैं। फिर उसको हॉट पाइप से एयर भेजेंगे हम, ऐसा कुछ अपरेटस टाइप था, यहाँ से हॉट एयर भेजते हैं, प्री हीटेड एयर, जोन ऑफ कम्बशन, जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिडक्शन, वो सारा अलग अलग जोन के टेम्परेचर और किस जोन में क्या रिएक्शन हो रहा है ये करना है। अब लास्ट में इसके 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, हमने जोन ऑफ रिडक्शन तक कर लिया था, इसमें हमने देखा था कि कितने टेम्परेचर पे हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या तो हम कोक को करेंगे या कार्बन मोनोक्साइड। ठीक हुई बात, रिडक्शन करने के बाद अल्टीमेटली तुम्हारे पास आ क्या जाएगा, तुम्हारे पास आयरन आ जाएगा। मेन एम अपना यही है ना कि हमने जो हेमेटाइट ओर लिया था, कंसनट्रेटेड हेमेटाइट ओर लिया था, उसमें से हम उसका रिडक्शन करना चाहते थे ताकि आयरन निकल जाए, आयरन आ गया, बट उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी। जैसे इसका निचले वाला पोर्शन बना रही हूँ मैं ब्लास्ट फर्नेस का, नीचे वाले पोर्शन में क्या होता था, ऐसे करके था, ऊपर स्लैग के लिए कंपार्टमेंट है, उसका होल अलग है, नीचे आयरन के लिए अलग सा कंपार्टमेंट है, उसका होल अलग है। यहाँ पे तुम्हारा मोल्टन आयरन इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो आयरन इकट्ठा होगा इसको पिग आयरन बोलते हैं, याद करना है, ध्यान से सुन ले। जो ब्लास्ट फर्नेस से आयरन निकलेगा रिडक्शन के बाद, उसका नाम क्या है मान्या, पिग आयरन। ठीक, और उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, एंड उसमें अबाउट 4% कार्बन प्लस मैनी इम्प्योरिटीज, ये चीज़ याद रखनी है। पिग आयरन है और उसमें 4% इम्प्योर 4% कार्बन है और बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज है। अब ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको बहुत सारा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि ये यूज़ किया जा सके। तो वो क्या करते हैं, पिग आयरन को हम कास्ट आयरन में बदलते हैं, नाम है अलग अलग। तो कास्ट आयरन जो होता है बेटा, इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, 3% होता है, और इम्प्योरिटीज भी थोड़ी कम हो जाती हैं। क्या करते हैं, ये पिग आयरन को स्क्रैप आयरन के साथ मेल्ट करते हैं। स्क्रैप आयरन क्या है, जैसे घरों में वेस्ट वगैरह चीज़ें नहीं होती कई बार आयरन की, जो हम भेज बूझ देते हैं, तो वो सारा प्रोसेस करते हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, आयरन का कंटेंट ही बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से कार्बन कंटेंट कम हो जाता है। तो हमने माइंड में क्या रखना है कि फर्नेस से पिग आयरन निकला जिसमें कार्बन ज़्यादा था, कार्बन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आयरन हो पे हो, और इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी थी। इम्प्योरिटीज़ कैसे आती थी, उसमें वो सारा कुछ मिक्स हो गया था ना, सिलिकॉन मैंगनीज सल्फर वगैरह उसमें चले गए थे जोन ऑफ रिडक्शन में। तो हम इसको स्क्रैप आयरन के साथ रीमेल्ट करते हैं ताकि वो कास्ट आयरन में बदल जाए जिसमें 3% कार्बन एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्योर है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए हमको। ये देखो यही लिखा है यहाँ पे, आयरन ऑब्टेंड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन, इट कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन एंड बहुत सारी इम्प्योरिटीज। पिग आयरन इज री मेल्टेड विद स्क्रैप आयरन एंड इट बिकम्स कास्ट आयरन, इट हैज स्लाइटली लेस कार्बन कॉन्टेंट, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और अभी नेचर में कैसा है, ब्रिटल है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। तो अब हम इसको एक और फॉर्म में बदलेंगे जिसको रॉट आयरन बोलते हैं। देखते हैं रॉट आयरन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। रॉट आयरन की एक चीज़ याद रखनी है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन, कमर्शियल यूज, प्योरेस्ट फॉर्म फॉर कमर्शियल यूज, इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज़ करते हैं तो रॉट आयरन यूज़ करते हैं।
पिग आयरन से कास्ट आयरन बना लिया। कास्ट आयरन में 3% कार्बन है और अभी भी उसमें काफी इम्प्योरिटी है, उसको हम रॉट आयरन में बदल देंगे। तो थोड़ा उसका मोटा मोटा प्रिंसिपल ही करना है। क्या करते हैं बेटा, ये कास्ट आयरन को किसी फर्नेस में डालते हैं। कहानी जैसे माइंड में रखा करो, फिर याद हो जाएंगी चीजें। बस ऐसा इमेजिन करो कि तुम लोग कोई इंडस्ट्री देखने गए हो जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। तो फर्नेस मान लो मैंने ये ऐसा कोई फर्नेस बना दिया वैसे ही, ठीक है। उसकी जो लाइनिंग है ना फर्नेस की, वो हेमेटाइट ओर की ही लाइनिंग होती है, Fe2O3। इसमें क्या डाल दिया इन लोगों ने, कास्ट आयरन डाल दिया, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वो सारा कुछ तो है ही। अब कास्ट आयरन में क्या है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो इसमें होगा क्या, जो लाइनिंग है ना वो क्या काम करेगी, जैसे मान लो इम्प्योरिटी कार्बन की है, 3% कार्बन भी तो है ही है, तो लाइनिंग जो हेमेटाइट ओर की है वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगी कार्बन मोनोक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड में, बेसिकली वोलाटाइल बना दिया उसको, वो निकल जाएगी इम्प्योरिटी, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये कास्ट आयरन में। और भी इम्प्योरिटीज बहुत सारी थी, जैसे सिलिकॉन भी प्रेजेंट था तो ये सिलिका बन जाएगा, सल्फर इम्प्योरिटी होगी तो वो SO2 बन के निकल जाएगी। और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे मैंगनीज भी घुस गया था आयरन में, फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में। अब इसका फायदा क्या है कि जो तुम्हारी लाइनिंग थी उसने इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर दिया है ना। अब ऑक्सीडेशन के बाद कई इम्प्योरिटीज तो वोलाटाइल कंपाउंड में बदल जाती हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, वो निकल जाएंगी। कई अभी भी नॉन वोलाटाइल हैं, वो क्या करते हैं, वो मिलके स्लैग में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये मैंगनीज सिलिकेट बन गया, ये स्लैग बन जाएगा। अब हमारा काम तो इतना है कि भाई जो कास्ट आयरन हमने रॉट आयरन में बदलना है उसमें से इम्प्योरिटीज निकल जाए। तो इम्प्योरिटीज दो तरीके से निकलती होती हैं, या तो वो वोलेटाइल कंपाउंड बना के बाहर करते हैं हम, या स्लैग बना के। तो जो स्लैग बनी वो हल्की होती है तो वो ऊपर रह जाएगी, नीचे हैवी लेयर तुम्हारे रॉट आयरन की रह जाएगी। बेसिकली आप भी मुझे बोलना चाहिए आयरन जो भी है, तो वो ना सेमी सॉलिड सी बॉल की फॉर्म में निकल जाता है। फिर थोड़ी बहुत स्लैग उसमें मिक्स भी हो जाती है तो वो बॉल्स ही बन जाती हैं सेमी सॉलिड। तो वो उनको स्टीम के हैमर्स होते हैं, जैसे हथौड़ा नहीं होता, बेसिकली स्टीम उसमें पास करते हैं बहुत प्रेशर से, तो उससे वो जो स्लैग थोड़ी बहुत मिक्स हो जाती है आयरन में वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से रॉट आयरन बनता है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं नोट से, तो ये लाइन याद रखनी है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। फर्नेस में बनता है जिसकी लाइनिंग हेमेटाइट ओर की ही है। हेमेटाइट ओर की लाइनिंग क्या हमारी हेल्प करती है, वो कास्ट आयरन की इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देती है। कहीं वोलेटाइल है कहीं नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज तो मतलब इम्प्योरिटीज वोलेटाइल कंपाउंड बन के निकल गए, जो नॉन वोलेटाइल है वो स्लैग बन के निकल गए, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज कम होने लगती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल का थोड़ा बढ़ जाता होता है, वो सेमी सॉलिड मास बन जाएगा, बॉल की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, और उसको हम स्टीम हैमर से बीट करके मतलब ऐसे मार के स्क्यूज आउट मतलब बाहर करना, स्लैग बाहर निकाल देते हैं, रॉट आयरन बन गया। इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को, ठीक है। तो जो फर्नेस से निकला था, ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रही हूँ, वो क्या आयरन था, पिग आयरन था। उसको हमने स्क्रैप आयरन के साथ मेल्ट करके कास्ट आयरन में बदला, कास्ट आयरन को रॉट आयरन में बदला, ठीक है। अब ये तीन पॉइंट्स ये भी याद करने हैं, पिग आयरन जो पहले सबसे ज़्यादा इम्प्योर था उससे स्टील भी बनाते हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा नेचुरली। तो पिग आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो 4% होता है, 3 या 4 में वेरी करता है। देखो ये भी क्वेश्चन आता होता है कि हाउ स्टील इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पिग आयरन, तो तीन पॉइंट लिख के आने हैं उसमें, क्या कार्बन कंटेंट फ्रॉम 3 to 4% प्रेजेंट इन द पिग आयरन इज रिड्यूस्ड टू 0.5 to 1.5% इन स्टील। स्टील बनाना है तो प्योरीफाई तो करना पड़ेगा, कैसे करना है वो सारी बातें मोटे मोटे प्रिंसिपल जो ऊपर किए हैं वही यूज करने हैं। कार्बन कंटेंट तुमको कम करना पड़ेगा स्टील बनाने के लिए। दूसरा,
इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सारी हटानी पड़ेंगी। इम्प्योरिटीज़ हटाने के दो तरीके सीखे हैं अपन ने, कौन कौन से जशन? अरे वो कहाँ से आ गया भाई? नहीं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो पहले था, वो तो हम उसको ऑक्साइड में बदलते थे। इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज हमारे मेटल में प्रेजेंट होती हैं, या तो उनको वोलेटाइल कंपाउंड बना के निकाल देते हैं या उनको स्लैग बना के निकाल देते हैं। दोबारा बता रही हूँ ये बात ध्यान रखना। जैसे आयरन था बेटा, जो बड़ा सारा हमने कल ये फर्नेस किया था, इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस है। जब आयरन तुम्हारे पास मिलेगा ना, उसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसी। तो हम क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ में से कई बार तो ये वोलाटाइल कंपाउंड बन जाता है इनके ऑक्सीडेशन के बाद, जैसे सल्फर SO2 में बदल जाता है, कार्बन कार्बन मोनोक्साइड में गैस बन के निकल जाएंगी, MnO बन गया, ये सिलिका बन गया, तो ये मिलके स्लैग बना देते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, दे आर रिमूव्ड आइदर बाय ऑक्सीडाइजिंग देम टू वोलाटाइल कंपाउंड्स और थ्रू स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्टील बना रहे हो तो तुम जानते हो भाई, स्टील एक अलॉय है, तो उसमें बहुत सारे मेटल्स और भी हम डालते हैं, अलॉइंग मेटल्स, क्रोमियम है, निकल है, मैंगनीज है, वेनेडियम है, मॉलिब्डेनम है। पिया ये किसका सिंबल है? इट इज टंगस्टन। ठीक है, दे आर एडेड टू ऑब्टेन स्टील ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो क्या क्वेश्चन जो आते हैं, सीधा वैसे ही नोट्स बने हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ रॉट आयरन इज मेड फ्रॉम कास्ट आयरन। तो ये पैराग्राफ लिखना है। हाउ स्टील इज मेड फ्रॉम पिग आयरन, तो ये पैरा 3 पॉइंट लिखने हैं, खत्म कहानी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो तुम्हारी आयरन की कहानी खत्म होती है। अब हमारे सिलेबस में एक कहानी और है, वो कॉपर की है, वो शुरू करते हैं। देखो इंटरेस्ट बनाने के लिए बेटा, ऐसे चैप्टर्स में ना थोड़ा बहुत साथ साथ क्वेश्चन ज़रूर करते रहने चाहिए। जैसे मैं प्रीवियस ईयर के कराती रहती हूँ, उससे क्या लगता है कि हौसला सा बढ़ता रहता है कि क्वेश्चन हो रहे हैं, माइंड में चलता है कि हम पेपर में भी आराम से कर देंगे। तो थ्रेटिकल चैप्टर्स हैं, अपने आप को थोड़ा सा रखो वैसे कि हाँ करने हैं। अब देखो बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो सबसे पहले तो हमें कॉपर की ओर्स की जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी मेन ओर्स हैं जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी इसकी भी ओर्स मिलती हैं, तो उसमें से ये वाली ओर सबसे ज़्यादा कॉपर पायराइट्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रैक्शन होती है कॉपर की। 80% एक्सट्रैक्शन इस ओर में से होती है, और भी होती हैं। कॉपर की जो ऑक्साइड ओर है उसको क्यूपराइट बोलते हैं, कॉपर की जो सल्फाइड ओर है उसको कॉपर ग्लास बोलते हैं। ठीक है, मेलाकाइट तो जानते ही, वो तो कर ही चुके आप, कॉपर की कार्बोनेट ओर है मेलाकाइट। तो 80% इसमें से हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्सट्रैक्शन करनी है। तो कॉपर ज़्यादा सल्फाइड ओर्स में मिलता है, तो सल्फाइड ओर से कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है। आई बात समझ में? तो नोट्स पे देखें, यही लिखा हुआ है बेटा सबसे पहले, तो आई बात समझ में। अब थियोरी ऑफ रिडक्शन भी हमको पढ़ना पड़ता है। थियोरी ऑफ रिडक्शन में क्या पढ़ते होते हैं हम एलिंगम डायग्राम देखते हैं। एलिंगम डायग्राम ही हमारा बेस था, जो हमें ये पता करवाता है कि कौन से ऑक्साइड के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे और कितने टेम्परेचर पे हम रिडक्शन कर सकते हैं। यही चीज है। ये COOH होल ट्वाइस है या थ्राइस है? सॉरी, 2 आएगा। तो क्या बात कर रही थी मैं, एलिंगम डायग्राम को देखेंगे। अच्छा आप मेरी बात सुनो, कॉपर की हमने कौन सी ओर लेनी है, मैंने अभी आपको बताया सल्फाइड ओर्स लेते हैं कॉपर की रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ कंसंट्रेशन के मेथड से। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन करी हमने, फ्लोटेशन लगाया, फिर रोस्टिंग करनी पड़ेगी। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग क्यों करते होते थे अर्गुन, याद है बेटा रोस्टिंग?
यार वीडियो नहीं, तुम लोग फिर बंद करके बैठ गए सभी। निखिलेश रोस्टिंग बता क्या होता है? सल्फाइड ओर्स को जब हीट करते हैं, तो वो सल्फाइड ओर्स क्या होता है फिर उसमें? मान ले ये सल्फाइड हो रहा उसका है, क्या करूं मैं? इसका रिएक्शन बता सकते हो? रोस्टिंग करनी है। अच्छा एक, हाँ ऑक्सीजन क्या होगा इसका? CuO प्लस SO2। हाँ ठीक है, तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलते हैं। इसमें मैम एयर ज्यादा लगते हैं, एयर हाँ, मतलब इसमें हम रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर देते हैं रोस्टिंग में, और कैल्सिनेशन में क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई या एब्सेंस होता है। ये कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रेट्स का उत्तम और लेस एयर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो बड़ा आसान लग रहा है कि सल्फाइड ओर ली कॉपर की, उसकी रोस्टिंग करी, ऑक्साइड में बदल दिया। और एलिंगम डायग्राम तुम देखना, जो कॉपर के फॉर्मेशन का कर्व होता है ना, वो बहुत ऊपर है। अब ऊपर होने से क्या फायदा? तो ये सारे इसके नीचे है मेनली, मतलब कार्बन चेंजिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड इसके नीचे है, और 500 से 900 केल्विन पे ही ये कट कर जाता है। कट करने का मतलब कि 500 टू 900 केल्विन की रेंज में ही हम कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन आराम से करा सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? रिलेट कर पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ? एलिंगम डायग्राम में ये कॉपर वाला जो लाइन है वो ऊपर है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। तो कार्बन हम मेनली रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने का ट्राई करते होते हैं, कार्बन या कार्बन की कोई भी फॉर्म। तो डायग्राम से पता चला कि कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट 500 या 900 केल्विन में ही यूज करके उसकी रिडक्शन कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारी जिंदगी इतनी आसान तो हो नहीं सकती है ना, कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। तो वो गड़बड़ अब देखते हैं इसमें क्या है। ये सारा बेटा समझाया, एलिंगम डायग्राम देखो पूरी नहीं यहाँ पे बनानी होती, सिर्फ वो पोर्शन माइंड में लेके आना होता है जो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये लिखा है कि बहुत इजी लग रहा है हमें, बट अब क्या प्रॉब्लम आती है, लेट अस फोकस ऑन दैट। यहाँ तक मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो असली कहानी शुरू हो रही है, कॉपर के पाइराइट यूज करते हैं मेनली हम, तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, रोस्टिंग करने में सबसे पहले बेटा क्या होता है, ये अलग अलग अपने अपने सल्फाइड में पहले स्टेप में चेंज होता है। रोस्टिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो दे ही रहे हैं, सुनते जाना ध्यान से, रिएक्शन सारे लिखे हैं वो तो प्रैक्टिस से ही याद होंगे तुमको। क्या किया मैंने, ये मेरी कॉपर की पायराइट ओर है जिसे मुझे कॉपर को निकालना है, तो क्योंकि वो सल्फाइड ओर है तो मैंने उसकी रोस्टिंग करी, तो ये अपने अपने सल्फाइड बन गए, ऑक्सीजन एक्सेस है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपने अपने ऑक्साइड में बदल जाए। ठीक है, कुछ हद तक होता भी है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आयरन प्रेजेंट है। अब आयरन इज मच मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इतना तो पता है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या मैं कह दूँ रिएक्टिव है, तो आयरन है। तो आयरन अपनी एक टांग अड़ा देता है बीच में, वो क्या करता है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज होके बैठ जाता है। ठीक है, तो वो कॉपर को जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, थोड़ा बहुत होगा होगा भी तो वापस वो उसको सल्फाइड में बदल देता है। क्या करता है देखो, मान लो कॉपर का ऑक्साइड बना, तो कॉपर का जो सल्फाइड ओरिजिनली प्रेजेंट था वो क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो खुद ऑक्साइड में बदल जाता है, कॉपर का वो ऑक्साइड बनने ही नहीं देता, कॉपर बेचारा सल्फाइड में ही रह जाता है। समझे बात, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो नेट रिजल्ट फिर इस बात का क्या निकला कि रोस्टिंग करने के बाद जो ओर मिली है उसको रोस्टेड ओर बोल रही हूँ, उसमें आयरन तो अपना ऑक्साइड बना के बैठ गया, सल्फाइड का उसने तो ऑक्साइड बना लिया, बट कॉपर बेचारा मेनली अभी सल्फाइड में ही है, प्लस लिटल बिट स्मॉल अमाउंट
ऑफ अनरिएक्टेड एफईएस, थोड़ा बहुत ये बच जाता है। तो हमारा पर्पस था कि यार हमने तो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना था, तो कॉपर का ऑक्साइड बनना चाहिए था ताकि उसकी फिर हम रिडक्शन कर पाते, है ना, ये कर पाते। ये रिएक्शन तो तभी होगा जब कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, बट कॉपर बेचारा तो बदल ही नहीं पा रहा, आयरन अपना बन के बैठ गया ऑक्साइड में। अब ये देखना है कि हमारे पास अब ये है, रोस्टिंग के बाद ये कंपोजिशन है, इससे हम क्या प्रोसेस करें कि कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाए। यहाँ तक समझ गए? Yes, अब देखते हैं आगे। अब केमिस्ट्री हम कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, बिल्कुल। तो दोबारा लिख रही हूँ मैं, स्मॉल FES, ये हमारे पास चीज़ है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको बेटा फिर हम किसी फर्नेस में डाल लेंगे। अच्छा एक बार तो मैं नोट्स भी साथ साथ दिखा दूँ, पढ़ने तो तुमको यही है। ये सारा लिखा है, रिएक्शन बताया, ये वाले होने चाहिए थे, ठीक है, बट थोड़ा बहुत बनता भी है तो ये वापस उसको सल्फाइड में बदल देता है, ठीक है। तो रोस्टिंग के बाद ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये आगे की कहानी हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये किसी फर्नेस में डाल देते हैं, ये वाली जो हमें रोस्टिंग के बाद चीज़ मिली उसको किसी फर्नेस में डाल दिया। ऑपरेटर्स नहीं करना, बस मान लो कोई कोई फर्नेस है। उस फर्नेस की जो लाइनिंग है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा वो लाइनिंग? सिलिका, सिलिका मतलब SiO2। और उसमें हम ये सारा अपना जो सामान हमने बनाया पीछे रोस्टिंग करके वो डाल देते हैं, और हीट तो देते ही हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट हूट करते हैं सारा कुछ। तो इससे क्या होता है कि जो FeO है ना इसमें, वो सिलिका के साथ रिएक्ट होके स्लैग बना लेता है, आयरन सिलिकेट। क्या बना लेता है? स्लैग। आई बात समझ में? हम ये चाहते थे कि हमारा एम तो फिर दिमाग में रखना, कॉपर का ऑक्साइड बनाना है हमको। तो कॉपर का ऑक्साइड तब तक नहीं बनेगा जब तक आयरन से पीछा नहीं छूटता। तो आयरन से पीछा छुड़ाने का क्या तरीका निकाला कि यार सिलिका से मिक्स कर दो, स्लैग बना दो। स्लैग क्या है, स्लैग हल्की होती है तो वो ऊपर लेयर बना देगी, हम निकाल लेंगे उसे। तो नीचे जो लेयर रह जाती है उसको बोलते हैं कॉपर मेट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कॉपर मेट क्या होता है? अब हैवी लेयर रहेगी कॉपर मेट की, उसमें क्या है, उसमें बच गया कॉपर का सल्फाइड और थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड FES। समझ आ गई इतनी बात? हमने आयरन के ऑक्साइड से काफ़ी हद तक अपना पीछा छुड़ा लिया ताकि कॉपर का सल्फाइड बच जाए, फिर बाद में उसको ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। तो कैसे पीछा छुड़ाया? सिलिका की लाइनिंग में वाला फर्नेस में डाल दिया, उसको स्लैग बना के निकाल दिया। ये देखो यही लिखा हुआ है, ये कॉपर मेट। और कॉपर मेट में ये पूछता है कि क्या होता है, तो क्या बताना है, कॉपर का सल्फाइड और थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड आयरन का सल्फाइड। ये यहाँ तक है। और ये जो कन्वर्टर है ना बेटा, ये भी एक फर्नेस है, ये इसके बाद वाला है, वो बताऊंगी मैं। अब हमारा एम ये है कि हमें कॉपर को निकालना है मेट में से। मेट क्या है भाई? कॉपर मेट क्या चीज़ है? लेयर जो नीचे रह गई उसमें क्या है, कॉपर का सल्फाइड है और थोड़ा बहुत FeS है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि कॉपर की रिकवरी कैसे करनी है जो कॉपर मेट है। कॉपर मेट क्या है? कोई चीज़ का नाम नहीं है, वो कॉपर की एक लेयर है जो बची हुई है। अब मैं बेटा नई मीटिंग शुरू करती हूँ, ये ख़त्म होने वाली है। रिजॉइन। अंजलि तो आगे से भी, निखिलेश इज लेफ्ट। ओके, अब आगे देखते हैं कॉपर मेट का क्या किया जाए। अब बेटा इसको फिर एक नए अपरेटस में डालते हैं, उसका नाम याद रखना है, उसको बेसमर कन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमर कन्वर्टर। ये ऐसा कोई पियर शेप का ऐसा अपरेटर सा होता है,
ऐसे ना वो सपोर्ट से मतलब लगा होता है जिसको टिल्ट किया जा सकता है, ऐसे ऐसे मतलब घुमाया जा सकता है। तो कॉपर मेट में फिर दिमाग में लाएं कि क्या क्या प्रेजेंट था, कॉपर का सल्फाइड और स्मॉल FeS, बाकी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज तो देखो होती है ना। बेसमर कन्वर्टर में हमने कॉपर मेट को डाल दिया और ये जो प्रोसेस होती है ना इसको बेसमराइजेशन भी बोलते हैं। इसकी लाइनिंग किसकी है, सिलिका की ही लाइनिंग है बेसमर कन्वर्टर की। इसमें कॉपर में डाल दी हमने और बहुत हॉट एयर वगैरह वो सारा पास करते हैं हम। ठीक, अब इसमें हॉट एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, है ना। तो एक तो जो अनरिएक्टेड FeS होता है जो तुम हॉट एयर दे रहे हो उसके साथ ये FeO में चेंज हो जाता है। ठीक है, FeS था ना उसको भी निकालना है, तो बहुत ज़्यादा हॉट एयर दी हमने उसमें से ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक, अब FeO सिलिका भी है, सिलिका कहाँ से आया भाई, लाइनिंग थी हमारे बेसमर कन्वर्टर की सिलिका की, तो फिर से वो स्लैग बन गया। ये स्लैग बन गया, हल्की है, वो लेयर को अपन टिल्ट टूल्ट करके निकाल लेंगे, मतलब ऐसे घुमा के बेसमर कन्वर्टर को। और क्या होता है ये जो हॉट एयर पास करने का फ़ायदा, फ़ायदा वही है कि थोड़ी बहुत इसमें जैसे इम्प्योरिटीज़ है, मान लो थोड़ा सल्फर है, मैंगनीज है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये या तो ऑक्सीडाइज होके वोलेटाइल कंपाउंड बना के निकल जाएंगी या स्लैग बना देंगी। ठीक है, तो हमारा हमें काफ़ी शांति आई, हमारे पास अब क्या बच गया, Cu2S बच गया, बाकी सारा कुछ हमने काफ़ी हद तक निकाल दिया, आयरन से पूरा पीछा छुड़ा लिया और इम्प्योरिटीज भी मतलब काफ़ी हद तक निकाल दी। अब ये अकेला बचा, एयर तो पास कर ही रहे हो, अब होगा असली काम क्या, अभी ये अकेला बच्चा, अब इसको तो कोई ऑक्सीडाइज होने से रोक नहीं सकता, है ना। तो ये बहुत सारा होता है, तो उसमें से ये थोड़ा ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हुआ। इसका फ़ायदा क्या, ये जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है ना तो ये बाकी के बचे हुए अपने ही सल्फाइड को खुद ही रिड्यूस कर देता है। ये फिर माइंड में रखना, भाई कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मुझे कॉपर चाहिए रिड्यूस फॉर्म में, तो कॉपर हमने सल्फाइड अकेला कर लिया, ऑब्टेन कर लिया था, अब एयर पास की, उसकी थोड़े से की ऑक्सीडेशन हो गई, उसने बाकी के अपने ही सल्फाइड को रिड्यूस करके कॉपर निकाल लिया। अब ये कॉपर मोल्टन होगा तो ये इसको टिल्ट करके इसको मोल्ड्स में भर लेते हैं। मोल्ड्स मतलब पंजाबी में जिसको हम सांचे बोलते हैं, आइसक्रीम चबाने वाले मोल्ड होते हैं ना वो, मतलब मोल्ड उस चीज़ को बोलते हैं, उसमें भर लेते हैं। तो जो SO2 होती है ना वो निकलती, मतलब जो साथ में पैदा हो प्रोड्यूस होगी वो निकलती रहती है, तो जो कॉपर बनता है उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ब्लिस्टर क्या है, वो जो कई बार वो हो जाते हैं ना फिंसी वगैरह को, बेसिकली ब्लिस्टर बोलते हैं। वो कॉपर में थोड़े थोड़े उभार से दिखेंगे हमें, क्यों, क्योंकि जब गैस निकलेगी तो वो गोल गोल सी शेप बना देती है मेटल की, इसीलिए वो कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। बट अभी भी ये पूरा प्योर नहीं है, 98% प्योर होता है, 2% अभी भी इसमें इम्प्योरिटीज़ बाकी बची होती हैं, जो फिर हम रिफाइनिंग करके बाद में सीखेंगे कैसे निकालें। जो मेन चार मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हम कर रहे थे वो माइंड में भी रखो, क्रशिंग और ग्राइंडिंग की कर ली, फिर हमने कंसनट्रेट किया, फिर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल कर रहे हैं अभी फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। मेटल निकाल तो लिया बट अभी भी वो क्रूड ही है, फिर उसको प्योरीफाई भी अभी करना होगा, वो तो लास्ट मेथड है। देखो जरा ये सारा बेटा वही है, ये बेसमर कन्वर्टर बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ है ब्लिस्टर कॉपर हैज 98% कॉपर एंड 2% इम्प्योरिटी। ब्लिस्टर क्यों है, क्योंकि SO2 जो है वो एस्केप होती है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमको कॉपर की और आयरन की एक्सट्रैक्शन हमने ख़त्म कर ली है। ये पूरी डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में, जिंक की थोड़ा सा बस यही देखना है कि एलिंगम डायग्राम में वो कैसे है, उसकी डिटेल नहीं करनी है, और थोड़ा बहुत ये है एक दो लाइंस का, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी करा ही चुकी हूँ, मैं कार्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस ही है दोबारा, फिर उसके बाद ये रिफाइनिंग है, ये सबसे इजी है। पीछे तो थोड़ी डिटेल थी, रिफाइनिंग के 5-6 मेथड हैं, तुम लोगों ने काफ़ी हद तक ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है,
जोन डिफाइनिंग ये सारा है। तो आई ट्राई कि कल हो जाए मैक्सिमम एक लेक्चर, फिर आधा लेक्चर और लगेगा, कल कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन चलो कर लो, मैंने ढूंढा था तुम्हारे लिए। एक मिनट, बड़ा आसान है, अभी करके आयो, आंसर दो इस क्वेश्चन का, चैट में देना। केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज। मान्या प्रभनूर का आंसर आ गया। ये तो मैंने अभी पढ़ाया, पिछले से तो पूछ ही नहीं रही, तो पता लगेगा मुझे कितना ध्यान से सुनते हो तुम। इतना तुमको कोई कराने नहीं वाला, ये चैप्टर सभी लोग बोलते हैं कि अपने आप पढ़ लेना, कुछ ज्यादा समझाने वाला रहता नहीं है इसमें। आई हैव गॉट 3 राइट आंसर, पिया, प्रभनूर, मान्या। हरगुन बेटा थोड़ा गलत हो गया, रजे। स्लैग पूछा है तो ये होता है ना स्लैग, तो FeO हमेशा SiO2 के साथ मिलके आयरन का सिलिकेट बना के स्लैग में निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, ये ना तुम लोग मुझे ये दोनों बताओ। चलो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के ही है ये, कैल्कोपायराइट इसी को ही बोलते हैं, कॉपर पायराइट और को कैल्कोपायराइट या चैल्को जो भी बोलना है। ये तो अभी किया अपन ने, यही है। हाँ 52 तो आसान है, 53 प्रभु ठीक है बेटा तेरा, दोनों 52 तो आ गया सबको समझ। आयरन की तो हमने स्लैग बना के निकाला। अच्छा सेल्फ रिडक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ, अभी जो लास्ट तुमको स्टेप समझाया था ना, इसको सेल्फ रिडक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि कॉपर ने एक तरीके से अपने आप को ही रिड्यूस कर लिया है ना। अब ये जो है ना सेल्फ रिडक्शन, इसके लिए बोल रहा है वो, तो इसमें वो ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग स्पीशीज का मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है कौन है, क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। नहीं मान्या सी आंसर है बेटा, मैं बताती हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। रिड्यूसिंग स्पीशीज मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसकी रिडक्शन हुई, कॉपर की रिडक्शन हुई है ना। ठीक है कॉपर की रिडक्शन हुई, तो तुम लोग इसमें देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ पॉजिटिव में है, कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ मतलब इसकी रिडक्शन हुई। कॉपर सल्फाइड जो है इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये तो जानते हो। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की -2 से +4 हुई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन बढ़ने का मतलब क्या है, सल्फर की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो वो एक्ट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में। समझ में आया, रिड्यूसिंग स्पीशीज का मतलब ये पूछ रहा है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके खुद की ऑक्सीडेशन होती है, खुद की ऑक्सीडेशन किसकी हुई कैसे देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है S-2 का +4 में चेंज हुआ, समझे। फायदा तभी है जब ये लिखोगे क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट्स में ऐड कर लिया करो, और नोट्स लिख लेना। मुझे पक्का पता है कि सभी बच्चों ने बस वो PDF ही संभाल के रखा होगा, एक पिया मुझे लगता है लिखती है, बाकी मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, बट चलो PDF भी रख रहे हो, ये क्वेश्चन एक पेज में अलग रख के अपना PDF का प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ पेस्ट कर लेना। आज बेटा इतना ही कराऊंगी, बाकी टॉपिक कल। अच्छा कल का टाइम बताओ भाई, कोई भी बता दो कल, मैं तो फ्री हूँ ऑलमोस्ट। मैम इवनिंग का ही रख लो, 7 o'clock वाला। प्रभनो तेरी क्लासेस हैं कल? मैम शाम को मत रखो, सुबह का रखो। मैं तो फिर कल लगा नहीं पाऊंगा, कल टेस्ट है।
नहीं मैम, ग्रुप स्टडी के लिए जाना है। आइकोस जाते हो कल वहां बैठ? नहीं, दोस्त के घर जाना है मैम, काम करने। देख लो कोई भी, बड़ा ऐसे झगड़ा नहीं करना आपस में, एक शाम का एक सुबह का आपस में डिसाइड करके मुझे बता दो। अभी अभी है टाइम, कोई भी टाइम दे दो मुझे। कल प्लस वन की भी रखनी है, वो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, बेचारे बच्चे साउथ से हैं उनको मना लूंगी। शाम को मेरी क्लासेस होती हैं, मैं लगा नहीं पाऊंगी शाम को। संडे को भी? मैं भी नहीं लगा पाऊंगी। यस मैम, 6 to 8 किस उसकी आर्किटेक्ट की? यही टाइम रख लेते हैं भाई, फिर माने 11 बजे तो फ्री हो जाएगी, 11 से 12 पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये तो सूट करता है सभी को, प्रभनू को छोड़ के। प्रभनु रिकॉर्डिंग सुन लेना बेटा फिर। हाँ यस मैम। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, पढ़ लेना।